हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपके सामने लेके आने लगी हूँ स्वर्ण सीरीज़ का पार्ट टू। सो स्वर्ण सीरीज़ में जैसे कि आपने पार्ट वन के अंदर मोल्स यानी कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस किए थे। आज फिर से मैं पार्ट टू लेके आ रही हूँ जिसमें आपको 15 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। PDF जो है स्टूडेंट्स, वो आपको लिंक में नीचे दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हमारे टॉपिक पर यानी कि हमारे क्वेश्चंस पे चलने से पहले, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर और उसके साथ आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल्स की स्क्रीन पर या लैपटॉप्स की स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, टॉपिक पे चलने से पहले एक मेरी छोटी सी रिकमेंडेशन है आप सबके लिए। सबसे पहले PDF को डाउनलोड कीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, क्योंकि अब आप चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। आप 15 क्वेश्चंस जो अलग से थे वो भी कर चुके हैं, होमवर्क वाले भी किए होंगे, है ना। सो अब मैं चाहती हूँ भी आपने क्या करना है, 15 क्वेश्चंस है, 20 मिनट्स लीजिए, ठीक है। 20 मिनट्स लीजिए या 30 मिनट्स लीजिए, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम अभी, ठीक है। 30 मिनट्स लीजिए, ठीक है, बैठिए, टाइमर लगाइए 30 मिनट्स का, और इन 30 मिनट्स में ये 15 क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये वीडियो प्ले करनी है और मेरे साथ मैच करना है एक एक क्वेश्चन। और एक और चीज़, ये नहीं भी करना भी सीधा आंसर देख लिया, हाँ जी हमारा सही है, नहीं, आपने मेरा मेथड देखना और अपना मेथड देखना, क्योंकि जब तक आप मेथड नहीं देखोगे, तरीका नहीं देखोगे कैसे किया है, आपको नहीं पता चलेगा। मान लो आपने किसी और फॉर्मूला से किया, मैंने किसी और से किया, और बाय चांस आपका वो फॉर्मूला गलत हो, तो वो आपका कंसेप्ट आपके दिमाग में बेस हो जाता है, बैठ जाता है और आप वही करते रहते हो, फिर वो गलती हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो आपने क्या करना है, PDF को डाउनलोड करना है और अब हम करने लगे हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में फ़ोन है और इस फ़ोन पर मैंने स्वर्ण सीरीज़ खोल रखी है। ये सेम PDF आपको मिल रही है डिस्क्रिप्शन में, आप ऑटोमेटिकली इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो अब हमारी स्क्रीन्स पर आने लगा है फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको कहा था, मैं स्टार्टिंग वाले टॉपिक से लेकर एंड वाले टॉपिक तक चलूंगी, तो मैं क्वेश्चंस भी उस तरह से अरेंज करती हूँ, भी जो मैंने फर्स्ट टॉपिक करवाया था, फिर सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड, फिर सो ऑन, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब आपने चाहे तो आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं मेरे साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, अपना आंसर लिखेंगे और फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 60.0001 इज, मैं लिख रही हूं 60.0001, इसमें मुझे बताना है भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स आप सबको याद होंगे, पिछली बार मैंने थोड़ा अलग सा केस बताया था जहां पर आई गेस यहां 0. कुछ था, है ना, और 10 की पावर समथिंग था। तो इस बार जो सिग्निफिकेंट फिगर है ये हमारे पास है भी, आपको एक नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट क्या होता है बच्चों, नॉन जीरो होता है 1 से लेकर 9 तक, नॉन जीरो यही हुआ ना जो जीरो ना हो, जीरो कौन सा डिजिट नहीं होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 1 से लेकर 9 तक क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। तो नॉन जीरो डिजिट अगर आपको कहीं पर मिलता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, और उसके पहले कोई जीरो है तो वो काउंट नहीं होता, उसके बाद वाले जीरो जरूर काउंट होंगे, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं डेसिमल है, यहाँ डेसिमल है, और इस डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू तक उस आंसर को निकाला गया, यानी कि यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर मान लीजिए ये सिंपल लिखा होता 600, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते, तो हम इसे उस टाइम पर लिखते 6 × 10^2, और 10 की कुछ भी पावर हो तो ये जीरो में काउंट हो रहा है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो उस टाइम पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होता। लेकिन यहाँ डेसिमल आ गया और डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर वैल्यू तक उसे कैलकुलेट किया गया है, तो मैंने कहा था जब भी उसे डिवाइड करते हैं हम किसी चीज़ को और उसका कुछ पॉइंट करके 000 समथिंग आता है, तो उसे हमने काउंट करना है, तो इसे मैंने यहाँ काउंट किया, तो कितने सिग्निफिकेंस आ गए स्टूडेंट्स, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। अब ऑप्शंस देखते हैं, पहला ऑप्शन है आपका 5, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा,
बी ऑप्शन क्या है? टू. बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? गलत हो जाएगा. सी ऑप्शन क्या है? सिक्स. तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिक्स. वीडियो को पॉज करना है, स्क्रीनशॉट लेना है सॉल्यूशन के साथ, ठीक है. यहाँ लिख सकते हो आप इज इक्वल्स टू सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है. क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा? स्क्रीनशॉट में आ जाएगा. या तो आप कॉपीज पे लिखो या स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लो, बाद में प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है. सो अब हम देखने लगे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं अब डिक्टेट कर रही हूँ आपको. आपको स्क्रीन्स पर दिख रहा है और मैं यहाँ पर फोन पर देख रही हूँ, ठीक है. इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर. इफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज टू होल्ड ट्रू, मतलब कि अगर वो सही है तो कोमा, देन 20.8 ग्राम्स ऑफ BaCl2. अब यहाँ पर आपको ना BaCl2 कुछ इस तरह से दिख रहा है, BaCl2. तो इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है. मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको करेक्ट करवाया था, ठीक है. ये एडिटिंग के टाइम पर, मतलब जब हम क्वेश्चंस टाइप करते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है प्रॉब्लम. तो BaCl2 को आपने इस फॉर्म में करेक्ट करके लिखना है. अब क्वेश्चन देखिए, इफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज टू होल्ड ट्रू, देन 20.8 ग्राम्स ऑफ BaCl2 ऑन रिएक्शन विद 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4. H2SO4 फिर ऐसे लिखा है, आप इसे लिख सकते हो ऐसे लिखा हुआ है आपको, तो ये ऐसे है H2SO4, ठीक है. कितना H2SO4? 9.8 ग्राम्स. विल प्रोड्यूस 7.3 ग्राम्स ऑफ HCl एंड डैश BaSO4. तो सबसे पहले चीज़ हम देखने वाले हैं, अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है स्टूडेंट्स. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास वो होता है जब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, है ना. जब मास रिएक्टेंट वाली साइड का प्रोडक्ट वाली साइड के इक्वल हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहलाएगा. अब जो उसने बोली है रिएक्शन क्या है, वो कहता है 20.8 ग्राम्स ऑफ BaCl2 कितना? 20.8, है ना. ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? 9.8 ग्राम्स ऑफ H2SO4. H2SO4 कितना? 9.8 ग्राम्स. क्या प्रोड्यूस कर रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है HCl कितना? 7.3 ग्राम्स. और साथ ही साथ ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है? डैश BaSO4, मतलब कितना BaSO4 प्रोड्यूस कर रहा है ये पूछ रहा है. अब मैंने आपको बोला बी जो रिएक्टेंट वाली साइज का मास है वो प्रोडक्ट वाली साइड के मास के इक्वल होना चाहिए. तो रिएक्टेंट वाली साइड में कितना मास है? 20.8 प्लस 9.8 इज इक्वल्स टू 7.3 ग्राम्स, प्लस इसे हम x कंसीडर कर लेते हैं, भी x ग्राम प्रेजेंट है, है ना. मैंने बोला भी रिएक्टेंट वाली साइड का मास का जो सम है टोटल मास, प्रोडक्ट वाली साइड के सम के टोटल मास के इक्वल है. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्हें ऐड करेंगे हम, 30.6 इज इक्वल्स टू 7.3 ग्राम प्लस x. एक्स क्या आ जाएगा, ये इसमें से माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा 23.3 ग्राम्स. कितना आ जाएगा? 23.3 ग्राम्स, यानी कि BaSO4 कितना प्रोड्यूस हुआ? 23.3 ग्राम्स. अब ऑप्शंस देखते हैं. पहला ऑप्शन देखिए क्या है, 11.65 ग्राम्स. पहला ऑप्शन है 11.65 ग्राम्स, ये तो गलत है. बी ऑप्शन देखिए 23.3 ग्राम्स, यानी कि हमारा सही है. सो स्टूडेंट्स देखो, अगर आपके कंसेप्ट इतने क्लियर हैं तो आपको ऑप्शन तो देखने नहीं पड़ते, पहले आप सॉल्व कर लेते हो फिर मैच करते हो, है ना. तो हमें यही करना है वहाँ पर, हमें यही करना है, इतनी स्पीड इतनी प्रैक्टिस करनी है भी हम पहले सॉल्व करें और फिर ऑप्शंस को देखें, है ना, ठीक है. सो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? 23.3 ग्राम्स, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का. सो अब मैं करने लगी हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड. तब तक आप फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को फटाफट से एक रिव्यू दीजिए, फटाफट से देख लीजिए. भी पहला हमने कौन सा किया? पहला हमने करा सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. दूसरा हमने कौन सा किया?
दूसरा हमने लॉस से रिलेटेड किया है ना। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपके जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं ये प्रीवियस ईयर्स में से भी लिए हैं, चाहे तो आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, और मैंने डिफरेंट बुक्स में से भी कंबाइन करके किए हैं। जितनी भी स्वर्ण सीरीज़ आपको देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में से क्वेश्चंस ले रही हूँ मैं और आपके प्रीवियस ईयर्स को भी फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, देखिए 5 moles ऑफ Ab2। अब Ab2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, Ab2 ऐसे है ना। तो 5 moles ऑफ Ab2, Ab2 के कितने मोल्स उसने कह दिए, 5 moles कह दिए। ये वेट करते हैं 125 × 10⁻³ kg। बच्चों अब इसे सही लिख लीजिएगा, इसका गिवन मास इन्होंने दे दिया है, गिवन मास कितना दिया है 125 × 10⁻³ लिखा है, वो 10⁻³ kg है, वो 10⁻³ kg है। तो ये आपको दे दिया भी इतने मोल्स प्रेजेंट है और इसका मास इतना है। आगे देखिए, एंड 10 moles ऑफ, अब 10 moles उसने और भी किसी के दिए हैं, 10 moles ऑफ किसका, A2B2 के 10 moles हैं और इसका मास है 300 × 10⁻³ kg। इसका मास कितना है 300 × 10⁻³ kg। आपसे पूछता है भी इन दोनों के मोलर मासेस निकालने हैं, इन दोनों के मोलर मासेस, जो इसका मोलर मास होता है वो होता है MA और इसका मोलर मास है MB, जो कैलकुलेट करना। अब कैसे करेंगे, गिवन मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोल्स दे रखे हैं, है ना। क्वेश्चन एक बार आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं एक बार हटाऊंगी यहाँ से, ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, मैं यही सॉल्व करने वाली हूँ इसे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार क्वेश्चन का, ठीक है। बाकी मैंने आपको गिवन सब लिखवा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला है, गिवन मोल्स का सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं। गिवन मोल्स को मैं एन से डिनोट करती हूँ, और गिवन मोल्स होता है मतलब नंबर ऑफ मोल्स होता है, गिवन मोल्स बोल रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मैं फर्स्ट रिएक्शन के केस में मोल्स बोलती हूँ, कितने मोल्स हैं, 5। गिवन मास कितना है इसके अंदर स्टूडेंट्स, 125 × 10⁻³ अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ए का निकालना है, तो इसको मैं एम ए लिख देती हूँ क्योंकि मैंने ए का निकालना है, एम ए लिख दिया। यहाँ से एम ए की वैल्यू क्या आ जाती है, एम ए आ जाएगा। एक और चीज़, अब मैं इसे एम ए तो लिख सकती हूँ, लेकिन आप ये चीज़ देखिए, मैं ए का मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ये ए बी टू का है, ये ए बी टू का मॉलिक्यूलर मास है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ ए बी टू को, बच्चों मैं बोल रही हूँ उसने आपको मॉलिक्यूलर मास किसका दिया, मतलब गिवन मास किसका दिया है, ए बी टू का दिया है। ए बी टू को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 1 × A + 2 × B, है ना। अगर हम किसी का मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2O का निकाल के दिखाती हूँ, तो इसको क्या करती हूँ, 2 × H+1 × O, ऐसे ही मैंने इसको लिख दिया, 1 × A + 2 × B। तो अब मैंने इसका निकालना, तो यहाँ लिखती हूँ 1 × A + 2 × B। मुझे A और B का नहीं पता कितना मास, मुझे A और B का नहीं पता, मुझे उसने कहा है A का निकाल और B का निकाल, मुझे नहीं पता क्या है, मुझे उसने ना मॉलिक्यूल्स के दे दिए मोल्स और मास, तो मैं मॉलिक्यूल्स के मोल्स और मास की हेल्प से A और B की इक्वेशन बनाऊंगी। अब देखो, अब यहाँ से क्या आ जाएगा, A + 2B, उल्टा उधर ले जाऊंगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 125 × 10⁻³ - 3/5। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 25 × 10⁻³ कितना आ जाएगा, 25 × 10⁻³। हाँ जी, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये एक इक्वेशन आ गई, A + 2B की पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास, किससे आई, फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल से। Ab2 के 5 मोल दे रखे थे, Ab2 का गिवन हमें क्या दे रखा था, गिवन मास दे रखा था, हमने मॉलिक्यूलर मास को खोल दिया और यहाँ से एक इक्वेशन निकाल ली A + 2B। ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम देखेंगे सेकेंड वाला, देखो A2B2 का आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने स्टूडेंट्स इसके 10 दे रखे हैं,
और गिवन मास कितना है 300 × 10⁻³ मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास ए टू बी टू को कैसे लिख सकती हूँ, ए टू बी टू को क्या लिखूंगी, 2 × A + 2 × B, है ना। मॉलिकुलर मास ऐसे ही निकालते हैं ना, तो 2 × A + 2 × B, ए और बी का मुझे पता नहीं मुझे निकालना है, तो यहाँ मैं लिखूंगी 2A + 2B। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, 2A + 2B क्या आ जाएगा, 300 × 10⁻³, यानी कि 30 × 10⁻³। ये सेकेंड इक्वेशन है, लेकिन सेकेंड इक्वेशन को मैं और भी खोल सकती हूँ। अब यहाँ देखो दोनों तरफ 2 कॉमन है, मैंने क्या किया 2 बाहर निकाल लिया, क्या रह गया अंदर, A + B रह गया, इज इक्वल्स टू क्या, 30 × 10⁻³। 2 को उधर ले जाऊंगी तो A + B कितना आ जाएगा, 15 × 10⁻³। तो यहाँ से ये इक्वेशन आ गई थर्ड, ये आ गई इक्वेशन थर्ड। वीडियो को पॉज करना है, इसको नोट करना है, मैं ये इरेज कर रही हूँ, मैं इस इक्वेशंस को यहाँ लिखूंगी अब, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 इक्वेशंस निकाल ली, हम 10th क्लास में करते थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर, सेम वैसे करना है इसको, सेम देखो कैसे। अब कहोगे मैम हमें तो वो आता नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी बता रही हूँ कैसे करना है। ये भी पहली इक्वेशन आई, A + 2B = 25 × 10⁻³। पहली आई A + 2B = 25 × 10⁻³। और ये थर्ड इक्वेशन क्या आई, A + B = कितना, 15 × 10⁻³। अब या तो क्या कर लो, इनको ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो, सिंपल सब्ट्रैक्ट करोगे तो A कट हो जाएगा, या फिर एक और तरीका है इसको करने का, क्या है भी, इस इक्वेशन में से आप क्या करो, A की वैल्यू निकाल लो। इस इक्वेशन में A की वैल्यू क्या आएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये थर्ड इक्वेशन थी, है ना। सो अगर मैं डिटेल में मैथ्स में जाती हूँ तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है मेरे हिसाब से, क्वाड्रेटिक नहीं, सो कन्फ्यूज मत होना, जस्ट एक वैसे तरीके से बता रही थी। आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं भी आपने इनको सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, एक अच्छा तरीका जो मैं अभी तक फॉलो करती हूँ, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में मैंने A की वैल्यू निकालती हूँ, A क्या होगा, 25 × 10⁻³, इसको उधर ले जाऊंगी, −2b, ये मेरी A की वैल्यू आ गई, बस अभी इस A की वैल्यू को यहाँ डाल दो, तो ये कौन सी इक्वेशन ले ली, 4। अब आप क्या लिखोगे, पुट 4 इन इक्वेशन, कौन सी है ये, थर्ड, 4 को थर्ड में डालो। अब A की जगह पर आप इसको डालोगे क्या आएगा, 25 × 10⁻³, A की जगह डाल दिया, +b क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 15 × 10⁻³। तो अब आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एक और चीज़, यहाँ −2b लिखना रह गया ना, यहाँ −2b लिखना रह गया इसके साथ, ठीक है। सो अब इसको मैं जब करूँगी, देखो यहाँ तो क्या जाएगा, −b = इसको उधर ले जाऊँगी, माइनस में हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 − 25 कितना होता है, 15 − 25 10 होता है, तो −10 हो जाएगा ना, क्योंकि बड़े वैल्यू जो है वो बाद में माइनस कर रही हूँ, तो −10 × 10³ कॉमन ले लिया मैंने, क्योंकि दोनों में कॉमन था, तो अब यहाँ से −- प्लस हो गया, b क्या आ जाएगा, 10 × 10⁻³। ये तो आ गया स्टूडेंट्स b, अब a भी तो निकालना है ना, ये b क्या है, m b है, मास ऑफ b है, अब a निकालना है। अब a की इक्वेशन हमने यहाँ बनाई है ना, ये वाली भी, a क्या होता है, 25 × 10⁻³ −2b, इसमें डाल दो या किसी भी में डाल दो, जो आपको मन करता है, जो इजी लगता है, किसी वाली में डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, इतने को पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट करेंगे, फिर इस चीज़ को यहाँ करके दिखाऊंगी, ठीक है। अब देखो सिंपल सी चीज़ है ये, बहुत सिंपल सी चीज़ है। एम बी की वैल्यू कितनी आई है, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 × 10⁻³, है ना। अब मैं मान लो इसी में डाल देती हूँ, ए वाली में ही डाल देती हूँ, और सिंपल अगर मतलब हम एक सिस्टमैटिक वे में चलें, 25 × 10⁻³, है ना, −2 × b, b कितना है, 10 × 10⁻³, कितना हो जाएगा ये, 25 × 10⁻³ −20 × 10⁻³, 10⁻³ कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, 25 − 20 यानी कि
5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा, m में आ जाएगा, मास ऑफ a आ जाएगा, मास ऑफ b वो रहा, मास ऑफ a ये रहा, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या है, पहला ऑप्शन है मास ऑफ a क्या है, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, नहीं a का तो मास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है। ऑप्शंस आपको, मैं आ खड़ी होती हूँ, ऑप्शंस आपको, अब आपको स्क्रीन पर ऑप्शंस दिख रहे हैं, आंसर हमारे ये रहे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन में मास ऑफ a वो कहता है 25 इंटू 10 की पावर माइनस 3, ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, बिल्कुल सही, बी भी चेक करते हैं, बी है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, सोडियम का एटॉमिक मास दे रखा है आपको 23, हमें वैसे पता भी है, ना भी देता तो भी हमें पता था, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम इज, अब उसने गिवन मास भी दे दिया है कितना, 46 ग्राम, मॉलिकुलर मास भी दे दिया है 23 ग्राम्स, और आपसे पूछ रहा है भी नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, तो मैं चाहती हूँ ये क्वेश्चन आप खुद अभी सॉल्व करें, फिर हम चेक करेंगे, है ना। सो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन वर्क एक्चुअली साइट पर चल रहा है तो करके इसलिए डिस्टर्बेंस आ रही होगी, सो प्लीज़ इग्नोर दैट एंड आप क्वेश्चन को अच्छे से करिए, जम के करिए, ठीक है। और बाकी मैं थोड़ी कोशिश करती हूँ, मैं थोड़ी और तेज़ बोलूँ ताकि वो चीज़ जो है थोड़ी कम हो जाए, है ना। सो अब देखिए क्वेश्चन फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, भी एटॉमिक मास उसने सोडियम का आपको दे दिया है 23, है ना, क्या दे दिया उसने, एक तो आपको उसने दिया गिवन मास और एक उसने आपको दिया है मॉलिकुलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम, यानी कि गिवन मास है 46 ग्राम, और मॉलिकुलर मास कितना दे रखा है, यानी कि द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23, पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए। सो स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स को एन से डिनोट करते हैं, वो होता है गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास। गिवन मास को जब हम मॉलिकुलर मास से डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं, याद होगा ना मोल कंसेप्ट में तीन मोल्स के फॉर्मूला थे, क्या क्या फॉर्मूला थे, पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, सेकंड फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम है ना डिवाइडेड बाय 22.4, और थर्ड था नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कुछ भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, है ना। सो अब ये सबसे पहला फॉर्मूला है गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, यहाँ गिवन मास डालिए कितना है 46, मॉलिकुलर मास कितना है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है 23, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। सो ऑप्शंस चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है ए 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 2.3 और डी ऑप्शन है 4.6। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। था ना सिंपल सा क्वेश्चन। सो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, तब तक आप फिफ्थ क्वेश्चन को रीड कीजिए, मैं इसे रेज कर रही हूँ, ऐसे क्वेश्चन के भी टाइप मैंने आपको करवा रखी है स्टूडेंट्स। देखिए मतलब हमने सारा सिलेबस कवर कर लिया, हमने इस चैप्टर का जितना पोर्शन था हमने बहुत अच्छे से कर लिया, इसीलिए हम क्वेश्चन बहुत ईजिली कर पा रहे हैं ना। सो अब देखिए क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कम जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो क्वांटिटी है वो कम है, सबसे कम है, कौन सा है वो। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है 4.4 ग्राम ऑफ CO2, पहला ऑप्शन है। ऑप्शन सेकंड है 3.4 ग्राम ऑफ NH3, थर्ड है 1.6 ग्राम CH4, और लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है 3.2 ग्राम्स ऑफ SO2। अब आपको पता है भी हमने क्या निकाले हैं, लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। अब देखो हमें क्या दे रखा है, गिवन मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमें पता था भी हम नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलाज की हेल्प से क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्मूला को थर्ड फॉर्मूला के साथ रिलेट करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला अभी रिवाइज करवाया था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास होता है नंबर ऑफ मोल्स का, सेकंड वॉल्यूम वाला होता है और थर्ड एवोगैड्रो नंबर वाला होता है, तो फर्स्ट और थर्ड को रिलेट करना है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास,
और जो थर्ड फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं तो लिख रही हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए यानी कि एवोगैड्रो नंबर। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे। हमें गिवन मास दे रखे हैं, मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना आता है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, यहाँ डालकर हम क्या करेंगे मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं यहाँ सॉल्व करने लगी हूँ। ओके, सो अब देखिए, सबसे पहला पार्ट है हमारा क्या, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 4.4 ग्राम ऑफ CO2, इसका मतलब क्या हुआ, गिवन मास कितना है 4.4 यानी कि 44/10। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है CO2 का, नीचे मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, कार्बन का होता है 12, इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे ना, 12 प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का यानी कि 2 × 16, कितना आ जाएगा ये 44 आ जाएगा। तो 44/10 और यहाँ आएगा मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा 1/10 के आगे इसके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स से हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए, एन ए को उधर ले जाओगे क्या आ जाएगा एन ए बाय 10। ये आ गया फर्स्ट पार्ट का, एन ए की वैल्यू ना डालो क्योंकि सब में एन ए कॉमन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। अब देखो सेकेंड पार्ट, सेकेंड है 3.4 ग्राम ऑफ NH3, गिवन मास कितना है 3.4 यानी कि 34/10। NH3 का मॉलिक्यूलर मास, मैं ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, NH3 का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, नाइट्रोजन का होता है 14 और हाइड्रोजन का होता है 1, 3 हाइड्रोजन है तो 3 कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू डालूँगी ये कितना आ जाएगा 1/5 NA आ जाएगा, 1/5 आ गया नंबर ऑफ मोल्स, एन ए को उधर लेगी तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए यानी कि 1/5 एन ए के आगे इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। ये आ गए सेकेंड पार्ट का। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है 1.6 ग्राम CH4, गिवन मास कितना है 1.6, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है CH4 का 12 प्लस 4 16 यानी कि कितने आ गए मोल्स 1/10। अब मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय एन ए, तो एन ए को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ गए नंबर ऑफ मोल्स। ये आगे थर्ड पार्ट के। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है 3.2 ग्राम SO2, गिवन मास कितना है 32, 3.2 है तो 10 नीचे आ गया, SO2 का कितना होता है 32 प्लस 2 इंटू 16, 32 प्लस 32 64, 1/20 क्या आगे मोल्स आगे। अब ये फॉर्मूला लगाओ, मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन ए, तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे 1/20 इंटू एन ए। अब मुझे बताओ भी किसकी वैल्यू लीस्ट है, कौन सबसे कम है, 1/10 एन ए बाय 10 कम है, एन ए बाय 5 कम है, एन ए बाय 10 कम है या एन ए बाय 20। तो एन ए बाय 20 क्या है, सबसे कम वैल्यू है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो और आंसर हमारा क्या है, डी ऑप्शन है 3.2 ग्राम्स ऑफ SO2। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 6 अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उससे पहले फिफ्थ को एक बार जल्दी से रिव्यू दीजिए, फटाफट से रिव्यू दे लीजिए क्या है। हाँ जी, सो यहाँ देखिए अब आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इफ 32 ग्राम्स ऑफ O2, अगर 32 ग्राम्स O2 का कंटेन करता है 6.022 × 10³, आपको 101023 लिखा है, उसकी 10³ कर लो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स एट NTP देन 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर अंडर द सेम कंडीशन विल कंटेन, तो सल्फर में कितने होंगे, वो कहते हैं इन दोनों के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेम हैं, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स सेम हैं तो सल्फर 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर कितना कंटेन करेगा। सबसे पहली चीज देखिए, सिक्स क्वेश्चन, इफ 32 ग्राम्स ऑफ O2 यानी कि आपको गिवन मास दे दिया कितना 32 ग्राम्स, उसके बाद ये कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख लीजिए, ये कंटेन करता है 6.022 × 10³, है ना। तो वो कहता है 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर सेम कंडीशन पे कितने कंटेन करेगा, 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर
ये किसका था? O2 का था, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों सेम कंडीशंस है, दोनों की सेम। सबसे पहले इसकी निकालेंगे, गिवन मास क्या होता है 32 बाय मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है ना, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 32 बाय मॉलिक्यूलर मास O2 का कितना होगा 16 × 2 = 32, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1। तो आपको पता है एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, इट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1, यानी कि इसमें भी कितने हमें नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 1 मिलेंगे, है ना। तो अब हमें वो पूछता है भी 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर में सेम कंडीशन पे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आप देखिए गिवन मास कितना दे रखा है 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर, सल्फर का भी होता है 32, कितने मोल्स आ गए 1 आ गए, यानी कि दोनों की कंडीशन सेम है। तो अब आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे एन ए के इक्वल आ जाएंगे, और एन ए क्या होता है 6.022 × 10³। तो क्या आप हमारा आंसर हो जाएगा 6.022 × 10³। चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 6.22 × 10³, बिल्कुल सही, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है या इसे नोट करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलारिटी की बात कर रहे हैं एक सॉल्यूशन की, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ, आपको V1 दे दिया गया है 750 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl, यानी कि आपको M1 भी दे दिया गया है, कितना 0.5 मोलर। इसको इसने किसके साथ मिक्स किया, इट इज़ मिक्स्ड विद 250 ml, यानी कि V2 कितना है 250 ml ऑफ, मोलारिटी कितनी है M2 कितनी है 2 मोलर। तो वो कहता है मोलारिटी क्या होगी सॉल्यूशन की, यानी कि टोटल सॉल्यूशन जब इन दोनों को ऐड किया गया तो क्या मोलारिटी हुई। आपको मोलारिटी फर्स्ट की दे दी गई है, जिसको आपने सेकंड के साथ मिक्स किया, एक सॉल्यूशन बना और उसकी मोलारिटी बताइए। फॉर्मूला वेरी सिंपल, M1V1 + M2V2 क्या होगा, टोटल सॉल्यूशन की मोलारिटी इनटू वॉल्यूम क्या होगी V1 + V2, है ना। तो M1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 0.5 मोलर इनटू V1 की वैल्यू 750 प्लस M2 की वैल्यू कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स 2 मोलर इनटू V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 250 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा M मोलारिटी, कितनी है मोलारिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, इनटू V1 + V2, यानी कि 750 + 250 1000। तो इस 1000 को मैं नीचे लेके आ रही हूँ, इसके डेसिमल को भी ले आते हैं, 5 × 10 5/10 इनटू 750, तो 0 से 0 कट गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 500 डिवाइडेड बाई इस 1000 को कहाँ ले आई मैं, नीचे ले आई। सो इसको आप जब करोगे ये आएगा 375, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे प्लस 500 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 875 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि 0.875 मोलर क्या आ गया सॉल्यूशन की मोलारिटी आ गई। क्या किया हमने, हमें 2 का दे रखी थी मोलारिटी, दोनों के वॉल्यूम दे रखे थे, इन्हें मिक्स किया तो सॉल्यूशन की क्या मोलारिटी होगी। तो क्या फॉर्मूला है, M1V1 + M2V2 इज इक्वल्स टू टोटल का मोलारिटी इंटू उनका टोटल का वॉल्यूम, ठीक है। सो इससे हमारा आंसर क्या है 0.875 मोलर आ गया। अब ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है 1 मोलर, सेकंड ऑप्शन है 1.75 मोलर, थर्ड ऑप्शन है 0.975 मोलर और डी ऑप्शन है 0.875 मोलर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे लिख लीजिए। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, ये भी बता देती हूँ, ईजिएस्ट क्वेश्चन है और बच्चे गलती भी इसी में करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको वो करने के लिए भी, आप कई बार पेपर में बहुत जल्दी में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता,
आपको लगता है नहीं ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है, तो देखिए क्या मैं बात कर रही हूँ। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन अ गैशियस रिएक्शन ऑफ द टाइप, एक रिएक्शन है, क्या टाइप है? देखिए टाइप है ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी, है ना। तो इस टाइप में वो कहता है क्या चीज़ गलत है। पहला कहता है ए लीटर्स, मतलब अ लीटर ऑफ ए, ए लीटर्स ऑफ ए, ठीक है, कंबाइंस विद बी लीटर्स ऑफ बी टू गिव, ठीक है, टू गिव सी एंड डी, क्या है, ठीक है। आप याद कीजिए मैंने आपको स्टिक्योमेट्री करवाई थी, लिमिटिंग रिएजेंट्स करवाए थे, तब क्या मैं इनके वॉल्यूम लेती थी, मैं क्या लेती थी, इनके मोल्स लेती थी, याद कीजिए। मैं कहती थी ना ये ए मोल्स हैं, ये इसके बी मोल्स हैं, ये इसके सी और डी मोल्स दे रहे हैं, कहती थी ना मैं, तो मैं मोल्स लेती थी, मैं वॉल्यूम लीटर्स तो लेती ही नहीं थी, उसकी हेल्प से भी निकालती थी। मैं क्या कहती थी, एक आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, जैसे H2 प्लस Cl2 है, ये HCl दे रहा है, मैं क्या कहती थी, पहले बैलेंस करो, आपने बैलेंस किया ये आ गया, मैं क्या कहती थी, एक H2 कितने HCl दे रहा है, 2, तो मतलब 1 मोल ऑफ H2 गिव्स 2 मोल ऑफ CH2, तो मोल वर्ड यूज़ करती हूँ ना हमेशा, लीटर्स नहीं करती ना, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। बी ऑप्शन देखिए, ए मोल ऑफ ए, ठीक है, कंबाइंस विद बी मोल ऑफ बी टू गिव सी एंड डी, हाँ जी बिल्कुल सही। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। फिर भी सी और डी में एक बार रीड कर देती हूँ। सी ऑप्शन है, अ ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विद बी ग्राम ऑफ बी, ये तो मास पे आ गया, मास की तो हमने बात ही नहीं की, हमने मोल्स की बात की। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंबाइंड विद बी मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, बिल्कुल गलत, मोल्स है तो मोल्स ही रहेगा, मॉलिक्यूल्स ग्राम्स लीटर्स कुछ भी नहीं है ना, ठीक है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 8th क्वेश्चन के लिए। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या आता है स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 560 ग्राम्स ऑफ इथीन, कितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए बी इथीन की कंबशन हो जाए। इथीन होता है, देखो इथीन, ईन यानी कि कौन सा होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताऊंगी, फिलहाल के लिए इथीन का फॉर्मूला कई बच्चों को पता होना चाहिए भी, हाँ ये कैसे आया, इथ होता है 2 कार्बन यानी कि C2H4, तो इथीन होता है C2H4, ये ईन के लिए ये फॉर्मूला लगता है, एन के लिए क्या होता है CnH2n+2, तो वो आगे करवाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। इथीन आपको दे रखा है कितना भी, कितनी ऑक्सीजन चाहिए यानी कि C2H4+O2, आपको पता है जब भी कंबशन ऐसी रिएक्शन होगी तो CO2 प्रोड्यूस होगी और H2O प्रोड्यूस होगी, है ना। तो वो कहता है भी 560 ग्राम्स हमें इथीन की दे रखी है, इसका आपको दे रखा है, वो कहता है कि कितना ऑक्सीजन आपको इसके साथ चाहिए, कितना ऑक्सीजन चाहिए भी ये कंबशन हो जाए। पहला काम क्या करते थे, इसको बैलेंस करते थे, बैलेंस करते हैं, 2 कार्बन है इधर, इधर 1 कार्बन है, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया, कोई बात नहीं, हाइड्रोजन 4 है यहाँ, 2 है, तो यहाँ मैंने 2 लगा दिया। अब गिनो ऑक्सीजन यहाँ रहेगा कितने हो गए, ऑक्सीजन 4 और 2 कितने हो गए, 6, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो इसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरी क्या होगी, बैलेंस्ड होगी। C2H4+3O2 गिव्स 2CO2+2H2, इसका मेरे को ग्राम्स दे रखे हैं। अब मैं बोल रही हूँ कि कितना ऑक्सीजन चाहिए, एक इथीन कितने O2 के साथ रिएक्ट कर रही है, 3 O2 के साथ, तो अब इसके मोल्स निकालो, 560 गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास इसका कितना होगा, 2 × कार्बन का 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 4 कितना होगा, 24+4 28, इसे करोगे तो ये 20 पे गया। अगर एक मोल इथीन का 3 मोल O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो 20 मोल कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 3 × 20 O2 के साथ, यानी कि कितना, 60 O2 के साथ। तो ये क्या आ गए, मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, हमें मास निकालना है भी कितना ग्राम ऑक्सीजन, तो गिवन मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, O2 का मॉलिकुलर मास O × 16, मतलब 2 × 16 कितना होगा, 32, तो 60 × 32 इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी 1920 आ जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, अब देखो बड़ा तेज है, अब बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे, ये तो ऑप्शन है ही नहीं क्योंकि ये ग्राम्स में है स्टूडेंट्स,
और आपको उसने ऑप्शन केजी में दे रखा है, तो क्या करना है, सिंपल 1000 से डिवाइड कर दो। ये चीज आपने चेक करनी है, ऑप्शन अब उसने केजी में दे रखा है, देखिए तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर 1.92 केजी। अब चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 6.4 केजी, दूसरा ऑप्शन है 1.92 केजी, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। सो यस स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या है क्वेश्चन 10। 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, सिल्वर कार्बोनेट क्या होता है, Ag2CO3, कितना दे रखा है इसका 2.76 ग्राम। तो 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रॉन्गली हीटेड यील्ड्स, यानी कि जो देता है रिजल्ट, अ रेजिड्यू वेइंग, वो कहता है जब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं बहुत स्ट्रॉन्गली, तो जो यहाँ पर रेजिड्यू निकलता है, प्रोडक्ट निकलता है, उसका कितना मास है। अब आप कहोगे ये तो बहुत ऑप्शन ही बड़ा खराब है, कैसा सा क्वेश्चन इसने हमें दे दिया है, मतलब एक चीज़ बता दी हमें भी, हाँ सिल्वर कार्बोनेट है, ये हीट होता है तो ये कुछ देता है, उसका मास बताओ हमें। अब आप कहोगे मैम पता कैसे चलेगा क्या देता है, बहुत अच्छा तरीका है, रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट किस किस से बना है, Ag से बना है, कार्बन से बना, ऑक्सीजन से बना है, तो देगा भी वही चीज़ें, क्या देगा ये देगा Ag, आपको पता है भी ये क्या रिलीज़ कर सकता है, ये CO2 रिलीज़ करेगा और ये क्या रिलीज करेगा, O2 रिलीज करेगा। स्टूडेंट्स ये रिएक्शन है तो टेंशन नहीं लेनी, इनकी प्रैक्टिस हमें पता कैसे चलेगा भी आ गई, जब आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ब खुद ये चीज़ें पता चलनी जाएगी। पहली बार जब मैंने देखा था ये चैप्टर, इतने क्वेश्चंस फर्स्ट टाइम 11th में आना, हर बच्चा घबराता है भी हम कैसे करेंगे, लेकिन जब एक बार क्वेश्चंस की पकड़ आ गई भी डेली मैंने क्वेश्चंस करने ही करने हैं, तो ये चीज़ बहुत ईजी लगती है। और कोई नया क्वेश्चन मिलता था तो मेरा एक बहुत अच्छा मतलब रूल होता था, मैंने क्या करना है, उस पर स्टार लगाना है, उसको एक शीट पे लिखना है, किसी भी बुक से मैंने देखा हो, मैं अपनी अलमारी पे चिपका देती थी, अलमीरा पे चिपका देती थी, तो जब मैं जाती थी मुझे पता चलता था हाँ इसमें कुछ डिफरेंट है, ये बाकियों से कुछ डिफरेंट है, या हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर लो, ठीक है। सो अब देखो क्या क्वेश्चन है, सिल्वर कार्बोनेट जो है उसका आपको इतना मास दे रखा है, आपसे पूछा गया रेजिड्यू। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो 3 प्रोडक्ट है, आप ये देखिए भी रेजिड्यू क्या है, यहाँ सिल्वर है, बाकी दो क्या है, बाकी तो गैसेस हैं, है ना, बाकी तो गैसेस हैं, रेजिड्यू क्या बचा, यानी कि प्रोडक्ट बना क्या, Ag बना जब हमने इसे हीट किया। सेम है, पहले से बैलेंस करेंगे, Ag कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। आगे देखिए कार्बन है 1, कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 3 और यहाँ ऑक्सीजन है 4, ये क्या हो गया, कैसे करें, अब इसके आगे लगाएंगे तो सारी इक्वेशन हिल जाएगी। अब देखिए आपको बताइए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन कर दो, हाफ इंटू O2 करोगे तो 1 O काउंट होगा ना, तो 1 O प्लस 2 O कितने हो गए, 3 O, तो यहाँ कितने हैं 3 O, है ना। जब कुछ ऐसी ऑड सी सिचुएशन आती है तो कुछ डिफरेंट सोचो, कुछ ऐसे करो, और ये मैं कह रही हूँ प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप आ जाएगा, प्रैक्टिस करने भी आएगा, बैलेंसिंग के इतने क्वेश्चन करो इतने करो अपने आप आ जाएगा, फिर आप वो डब्बे बना बना के सॉल्व नहीं करोगे, सीधा करोगे, है ना। तो ठीक है, अब ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। अब मैंने बोला भी कितने Ag प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, एक्चुअली कंस्ट्रक्शन चल रही है तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो मैं पूछ रही हूँ भी रेजिड्यू कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल Ag2CO3 का 2 मोल Ag प्रोड्यूस कर रहे हैं, गिवन मास दे रखा है, गिवन मास में मॉलिकुलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। जब हम Ag2CO3 का मास, मॉलिकुलर मास निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये 276 आएगा, ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ से 1/100 आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर 1 मोल 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है Ag के, तो 1/100 कितने करेंगे, 2 × 1/100 मोल्स करेंगे Ag के, 2 × 1/100 करेंगे। अब आपको क्या बताया, अब ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 2/100, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, मॉलिकुलर मास कितना होता है 108, ठीक है। तो जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, आपका क्या आ जाएगा, गिवन मास आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं इसका आंसर प्रॉपर निकाल भी देती हूँ, इसको इधर लेके आई मैं, 2 × 108/100, ठीक है, इज इक्वल्स टू गिवन मास, इसे मैं सॉल्व करूँगी तो 216/100, यानी कि 2.6
16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.16 ग्राम्स। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है 2.16 ग्राम्स, ऑप्शन बी है 2.48 ग्राम्स, ऑप्शन सी है 2.32 ग्राम्स और ऑप्शन डी है 2.64 ग्राम्स। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और मैं ये सिंपल, आप कई बच्चों को लग रहा होगा मैम कहाँ से सिंपल है, हमें तो टफ लग रहा है। मैं क्या कह रही हूँ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ। आप में से कई बच्चों के फर्स्ट स्वरण सीरीज़ में, मैंने आपको पहले भी कहा था स्वरण सीरीज़ फर्स्ट आपने की थी तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखना भी मैम 15 क्वेश्चंस थे हमने ट्राई करे, हमारे 6 सही हुए, 2 सही हुए, 5 सही हुए या 15 के 15 हुए। इससे क्या होगा, अगर कम भी सही होंगे ना, आपको लगेगा भी अगली बार सही करके ना नेक्स्ट कमेंट बॉक्स के अंदर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। क्योंकि मैं आपको सच्ची बताऊँ, मैं कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ, मैं हर किसी का कमेंट देखती हूँ, हर किसी बच्चे का कमेंट देखती हूँ, ठीक है। सो अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन इथेनॉल। मास परसेंट निकालना है किसका, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का मास परसेंट निकालना है किस में, इथेनॉल में। इथेनॉल क्या होता है स्टूडेंट्स, C2H5OH, इथेनॉल C2H5OH होता है। अब आप यहाँ देखिए, मैंने इसका मास परसेंट निकालना है। मास परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास परसेंट यानी कि कितना परसेंट ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है, मास ऑफ ऑक्सीजन जिसका निकालना है उसका मास अपॉन टोटल कंपोनेंट्स का मास अपॉन टोटल मास। अब परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100 करना होगा। अब C2H5OH में कितने ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो क्या हो जाएगा 16 बाय टोटल, टोटल कितना होता है C2H5OH का, C2H5OH दो कार्बन है तो 2 × 12 प्लस टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो एक हाइड्रोजन का एक होता है, 6 का कितना होगा 6 प्लस ऑक्सीजन एक है तो 16, इसको ऐड करो 24 प्लस 6 कितना हुआ 30, 30 प्लस 16 कितना हुआ 46, तो यहाँ क्या आ जाएगा 16 बाय 46 इंटू 100, ठीक है। तो इसको मैं अगर डिवाइड करती हूँ, सो ये हमारा, मैंने 2 पे इसको एक बार कट किया है, तो ये आएगा मेरा 800 बाय 23। सो देखिए इसे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आ जाएगा 34.73%। अब ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन है 52.14, दूसरा ऑप्शन है 13.13, तीसरा ऑप्शन है 16% और लास्ट ऑप्शन है 34.73। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लास्ट डी ऑप्शन। दोबारा बताती हूँ, मास परसेंट निकालना है किसी का भी, मान लो कार्बन का पूछा है ना, तो कार्बन का मास, ठीक है दो कार्बन है तो 2 × कार्बन का हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल मास इंटू 100। अब ऑक्सीजन एक ही था तो 16 बाई टोटल मास इंटू 100 किया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो 12th क्वेश्चन जो है लिमिटिंग रिएजेंट वाला, लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन है हमारा। ट्वेल्थ क्वेश्चन अब आएगा आपकी स्क्रीन पर, आइए देखते हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कहता है। ट्वेल्थ क्वेश्चन में इन अ रिएक्शन कंटेनर, एक रिएक्शन के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने हैं 100 ग्राम्स, ठीक है, एंड 100 ग्राम्स ऑफ Cl2 आर मिक्स्ड, 100 ग्राम Cl2 को मिक्स किया गया, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HCl गैस, HCl गैस की फॉर्मेशन के लिए। व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड हाउ मच HCl इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी गई है जिसमें H2 जो है 100 ग्राम प्रेजेंट है, Cl2 जो है वो 100 ग्राम प्रेजेंट है और HCl बन रहा है। वो पूछता है H2 और Cl2 में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है और HCl कितना बन रहा है। तो वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना है और मुझसे चेक करना है पहले, तो क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। सो अब देखिए क्या है, हम इसमें क्या करते थे स्टूडेंट्स, पहले बैलेंस करेंगे इक्वेशन को। देखिए 2H हैं और 2HCl है, लेकिन यहाँ दोनों एक हैं तो इसके आगे 2 लगा दिया, हो गई बैलेंस, है ना। अब इधर भी H2 है, उधर भी H2 है, इधर भी Cl2 2 है, मतलब Cl2 है, उधर भी Cl2 है। अब हमने HCl बनानी है, अब हमारे पास दोनों के मास हैं, तो क्या करते थे, क्या करते थे हम निकालते थे नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट,
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या होती है स्टूडेंट्स, जो इनके आगे वैल्यूज होती है, जैसे इसके आगे भी वन है, इसके आगे भी वन है, तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. 100 आपका गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास क्या होगा बच्चों, H2 का मॉलिकुलर मास क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का एक, तो दो का कितना होगा 2, तो मोल्स के आगे 50. मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 50 बाय 150. इधर आ जाओ Cl2 में, कितना है गिवन मास 100 बाय मॉलिकुलर मास कितना होता है, Cl का होता है 35.5 इंटू 2 करेंगे, ठीक है, ये कितना आ गया 71 आ गया, है ना, तो 100 बाय 71. तो मैं इसको पूरा प्रॉपर कैलकुलेट नहीं करती, ये आप इतना देखो 100 बाय 2 से तो कम ही वैल्यू आएगी इसकी, 100 बाय 2 से तो वैल्यू कम ही आएगी, डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स बाय 1, तो ये क्या हो गया, इससे कम आ गया. यानी कि मैंने कहा था जिसकी वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो सिंपल है, अभी Cl2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है. अब अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये डिसाइड करेगा HCl की फॉर्मेशन. एक Cl2 कितने HCl प्रोड्यूस करता है, एक Cl2 दो HCl प्रोड्यूस करता है, तो इतने Cl2 कितने HCl प्रोड्यूस करेंगे, 100 बाय 71 कितने प्रोड्यूस करेंगे, 100 बाय 71 इंटू 2, ये क्या आ गए HCl के मोल्स आ गए. अब आप एक बार ऑप्शन चेक कीजिए, भी आपको मोल्स दिया गया, ग्राम्स दिया गया, ग्राम्स दिया गया ऑप्शन में. तो अब हमें नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया, अब हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास के. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय मॉलिकुलर मास. हमें गिवन मास निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स मिल गए. मॉलिकुलर मास क्या होता है HCl का, हाइड्रोजन का होता है 1, Cl का क्या होता है 35.5, कितना हो जाएगा 36.5 हो जाएगा. तो आप क्या लिखेंगे, 200 बाय 71 इज इक्वल्स टू गिवन मास बाय 36.5. इसे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 × 365. इसका जो जीरो है वो नीचे ले गई मैं, इसका जीरो नीचे ले गई. अब एक और चीज़ देखिए, हाँ जी, तो इसको जीरो से जीरो को मैं कट करती हूँ, ठीक है. अब मैं जब इसे सॉल्व करूँगी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पहले ऑप्शन देखते हैं. अब वहाँ पर हमारे पास इतना तो टाइम नहीं, अभी हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऑप्शन से खेल खेलेंगे. पहला ऑप्शन है H2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, पहला ऑप्शन गलत, H2 है ही नहीं लिमिटिंग रिएजेंट, Cl2 है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया. सेकंड ऑप्शन देखिए, Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड 104.28 ग्राम्स ऑफ HCl आर फॉर्म्ड. कोई बात नहीं, बी ऑप्शन को हम रखते हैं अभी प्रायोरिटी पे. सी ऑप्शन देखिए, H2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, फिर गया ये, H2 तो है ही नहीं लिमिटिंग रिएजेंट, Cl2 है. डी ऑप्शन देखिए, Cl2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड 73 ग्राम्स ऑफ HCl आर फॉर्म्ड. तो अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, बी या तो 104.28 ग्राम्स बनेंगे या 73. अब आप देखिए क्या ये सीधा सीधा कट रहा है, नहीं कट रहा. अगर यहाँ 355 होता ना तो ये सीधा कटना था, सीधा नहीं कट रहा, मतलब आंसर पॉइंट्स में आएगा, डायरेक्ट नहीं कट रहा तो आंसर पॉइंट्स में आएगा. तो ऑप्शन ऑब्वियसली हमारा कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा, यानी कि Cl2 इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट एंड 104.28 ग्राम्स ऑफ HCl आर फॉर्म्ड, ठीक है. सो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट करेंगे. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है. क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपका एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला पे बेस्ड है, ठीक है. अब देखते हैं क्वेश्चन 13, फटाफट से क्वेश्चन को रीड कीजिए, खुद को सॉल्व, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा, अगर मज़ा आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, अभी अच्छा लगी हमें सीरीज. 13th क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन. अ कंपाउंड कंटेन्स 38.8 ग्राम कार्बन, 16% कार्बन, 16% हाइड्रोजन एंड 45.2% नाइट्रोजन. एम्पिरिकल फॉर्मूला बताइए. हम क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे, यहाँ लिखते थे एलिमेंट, यहाँ लिखते थे परसेंटेज, यहाँ लिखते थे उसका मास, यहाँ क्या करते थे परसेंटेज बाय मास, यानी कि मोल्स निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंपलेस्ट रेशो, और यहाँ लिखेंगे हम फॉर्मूला. ऐसे निकालते थे ना. तो पहले आप देखिए एलिमेंट कौन सा दे रखे है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन. कार्बन के कितने परसेंट आपको दे रखे हैं स्टूडेंट्स, 38.8. उसके बाद हाइड्रोजन के 16%, नाइट्रोजन के 45.2%. एम्पिरिकल फॉर्मूला बताना है, कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है 14. अब क्या नेक्स्ट स्टेप होता है, परसेंटेज बाय मास करना है. परसेंटेज कितनी दे रखी है, 38.8 बाय 12, उसके मास से डिवाइड,
16:1 और 45.2:14. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब हम इसे डिवाइड करेंगे. ये तो प्रॉपर 16 आएगा, ये आएगा नियर अबाउट 3.2 समथिंग, और ये जो हमारा आएगा ये भी आएगा नियर पॉइंट 3.28 समथिंग. तो 3.2 ही लिख रही हूँ. अब मैंने क्या कहा था, इनमें जो छोटी वैल्यू है उसको सबसे डिवाइड कर दो. छोटी क्या, 3.2. 3.2 / 3.2 कितना आ गया, 1. 16 / 3.2 उसका पॉइंट ऊपर लेगी, 2 पे कट गया, ये कितने पे कट गया, 5 पे. अब 3.2 / 3.2 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 1. तो क्या फॉर्मूला बनेगा, C1H5N1. क्या बनेगा, C1H5N1. ये क्या आ गया, इसका फॉर्मूला आ गया. एक बार देखिए, फिर ऑप्शन से बताती हूँ कौन सा करेक्ट है. ऑप्शन में भी बड़ा गोलमोल करता है. हमें इनकी परसेंटेज दे दी, कार्बन की कितनी परसेंटेज दी, 38.8. हाइड्रोजन की कितनी दी, 16. नाइट्रोजन की कितनी दी, 45.2. मास हमें पता ही है ना, हमने क्या किया, परसेंटेज में मास किया. जो वैल्यू कम आई उससे सबको डिवाइड कर दिया. तो जो आई वो उसके पैर में लगाओ, C1H5N1. ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है CH3NH2. एक कार्बन है. हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5. हाइड्रोजन कितने हैं, 5. एन कितना है, 1. ए ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम और ऑप्शन देखते हैं ताकि हमें पता चले भी वो डालता कैसे, कंफ्यूज कैसे करता है. बी ऑप्शन देखिए, CH3CN कितने कार्बन है, 2, और हमारा कह रहा है 1 कार्बन. तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया. सी ऑप्शन क्या है, C2H5CN. C2 यानी कि 2 कार्बन है, सी खुद ब खुद गलत हो गया. डी देखिए क्या है, CH2NH2N2H2. तो यहाँ पर n को वो 2 कह रहा है, तो डी ऑप्शन भी क्या गलत हो गया. कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, हमारा सही हो जाएगा. तो फटाफट से इसे पॉज करके लिखिए. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है. 14 क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है. ऐसा एक क्वेश्चन आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले करवा के हटी हूँ, जब मैंने आपको लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की थी, है ना. तो वीडियो को पॉज करके पहले इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करेंगे, फिर हम मैच करेंगे. क्वेश्चन 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैक्सिमम पूछ रहा है इस बार वो आपसे, सबसे ज्यादा. पहला ऑप्शन क्या है, 44 ग्राम CO2. दूसरा ऑप्शन क्या है, 64 ग्राम SO2. तीसरा ऑप्शन क्या है, सॉरी ये आपका फोर्थ ऑप्शन है. हाँ जी, तो सेकेंड ऑप्शन में दोबारा लिखती हूँ. यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है हमारा 48 ग्राम्स O2. थर्ड ऑप्शन है 8 ग्राम्स H2, और फोर्थ ऑप्शन है 64 ग्राम्स SO2, है ना. तो आपके पास ये क्या है, आपने पूछा गया उससे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. गिवन मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, यानी कि मोल्स वाले फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूला और जो थर्ड फॉर्मूला है उसको कोरिलेट करना है. कैसे, देखो एक फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, और एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि हमने निकालने हैं. मैक्सिमम किस में है, डिवाइडेड बाय एन ए. पहला देखिए, 44 ग्राम CO2, गिवन मास कितना है 44, मॉलिक्यूलर मास CO2 का कितना होता है 44. कितने आगे नंबर ऑफ मोल्स, 1. अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एन ए. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 1 × NA, यानी कि NA. ये तो किसके लिए आ गया, फर्स्ट ऑप्शन के केस के लिए आ गया. अब हम देखते हैं सेकंड क्या है, ये है फर्स्ट वाला, लिख लीजिए यहाँ. सेकंड में कितना है, 48 ग्राम्स ऑफ O2. सेकंड में कितना दे रखा है आपको, सॉरी सेकंड में आपको दे रखा है 48 ग्राम्स ऑफ O2, यानी कि गिवन मास कितना है 48. मॉलिक्यूलर मास O2, यानी कि 2 × 16 कितना हुआ, 32. ठीक है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, मैं 4 के टेबल पे इसको काट रही हूँ, 3/2. ठीक है, यानी कि 1.5 मोल्स आ गए. अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन ए. तो एन ए इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि 1.5 NA. अब देखिए थर्ड क्या है ऑप्शन, 8 ग्राम H2, गिवन मास 8, मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होगा, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हैं तो 2,
यानी कि 4। अब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एन ए, तो एन ए से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4NA। ये आ गया थर्ड ऑप्शन। फोर्थ देखिए, 64 ग्राम SO2, गिवन मास है 64, मॉलिक्यूलर मास SO2 का 64, कितने मोल्स आ गए 1, तो 1 × NA क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स। अब चेक करो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, पहले में NA, दूसरे में 1.5NA, तीसरे में है 4NA, चौथे में 1NA, तो तीसरा वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 8 ग्राम्स H2 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, 8 ग्राम्स H2 क्या हो जाएगा, करेक्ट। एक सेकेंड स्टूडेंट्स, एक सेकेंड, मैं ऑप्शंस लिखते टाइम मैंने यहाँ पे O2 लिख दिया या O3 है, कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं सेकेंड वाला यहाँ किया ना, गिवन मास में मॉलिक्यूलर मास O3 का मॉलिक्यूलर मास 48 होता है, तो 48/48 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए, तो 1 × NA क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर भी हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोले हैं, तो सबसे ज़्यादा किस में, 8 ग्राम्स H2 में है, ठीक है। सो ये बाय मिस्टेक में लिख बैठी थी, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए, इसे नोट कीजिए, अब आता है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन 15। देखो क्वेश्चन 15 आपसे फिर से परसेंटेज पूछी गई है, किसकी परसेंटेज पूछी गई है स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की परसेंटेज पूछी गई है, और किस में पूछी गई है, NaOH में पूछी गई है। सो 15 क्वेश्चन में वो कह रहे हैं ऑक्सीजन की परसेंटेज बताइए NaOH में, परसेंट मास परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, मास ऑफ ऑक्सीजन जिसकी पूछी जा रही है, मास ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल मास इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है। तो ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास। NaOH का निकालते हैं, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, यानी कि 40। तो 16 बाय टोटल मास कितना है 40 × 100, एक जीरो से जीरो गया, ये 4 पे गया, क्या आंसर आ गया हमारे पास, 40% हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है 16%, बी ऑप्शन है 4%, सी ऑप्शन है 40% और डी ऑप्शन है 8%। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, यहीं पर जो हमारी स्वर्ण सीरीज है पार्ट 2 फॉर फर्स्ट चैप्टर वो फिनिश होता है। अगर आज का जो वीडियो लेक्चर है, आज की जो सीरीज़ है, आपको अच्छी लगी है, मज़ा आया है, ठीक है, सो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले, और कमेंट में ये भी लिखना है भी आपके कितने सही हुए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी भी कितने बच्चे कितने अटैम्प्ट कर रहे हैं। अगर कम है तो डरना नहीं है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस से ही सीखेंगे ना, गलतियों से ही सीखेंगे। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, गलती अभी कर लेंगे तो चलेगा, लेकिन फाइनल पेपर में गलती नहीं दोहरानी हमने, इसीलिए हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना है भी 15 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए, और आप इसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। सो अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स।